धाकड़ से हरियाणा चैनल देखने वाले सगले दर्शकों ने वेद प्रकाश भारतीय की घनी घनी कसुती कसुती राम राम। आज की खासम खास खबर यह है भाई कि आज अपने गांव बामड़ा की बेटी का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है और यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज हम बेटी निशा के घर पहुँचे सा और इस खुशी के मौके पर आप उनके परिवार ने और उन्हें बहुत बड़ी 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 मुबारकबाद देते हैं। धन्यवाद सर, और आप आए इसका बहुत बड़ी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। आज आप इस खुशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आज घनी राजी हो रही हूँ, मेरा पूरा परिवार बहुत राजी है सर। और मन यूँ नहीं बना था कि एकदम से इतना सब पूरा इतना प्रेम इतना स्नेह एकदम से बरस पड़ेगा, लेकिन बस दादाजी ने एक बात कही कि हमेशा बिल्कुल हम्बल ग्राउंड में जमीन से जुड़े रहना है, खुशी मनानी है वहाँ भी आराम से मनानी है सर। तो बस यूँ सोचना। किसकी प्रेरणा थे आज इस मुकाम पर पहुँच गई? सर प्रेरणा तो सर बचपन से ही अलग अलग जगह से मिलती रही, लेकिन मेन प्रेरणा सर दादाजी की थी, मेरे माँ बाप की थी, मेरे शिक्षकों की थी सर, गांव के बुजुर्गों की थी। जब भी जाती थी इतनी हंसी मजाक से इतने आशीर्वाद से वो बोलते थे, तो सबका आशीर्वाद है सर, रिश्तेदारों का आशीर्वाद है, दूर दूर से इतनी शुभकामनाएं आ रही हैं, तो सबकी प्रेरणा है सर। आज इस देश में महिलाओं की दशा और स्थिति भी बहुत खराब से है, तो आप एक ऐसे मुकाम पे पहुंची हैं, तो उनके लिए आप क्या करोगी? सर स्थिति तो बहुत सुधरने लग रही है, पहला जो बात थी बात चेंज होगी धीरे धीरे। आप देखोगे ओलंपिक्स में कितनी सारी छोरी मारी मेडल लेके आई, कितने अपना जो सिलेक्शन हो रहा है कितनी सारी छोरी आगे आ रही सर, धीरे धीरे स्थिति बदलने लग रही है उस हिसाब से, वुमेन भी सर आगे आना है। तो उनके लिए बस एक ही मैसेज है सर, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब आप अपना बेस्ट दोगे अपना बेस्ट वापस मिलेगा सर। एक ही बात इतनी है कि किस्मत तो भी हो है माँ सर, किस्मत आओ आपकी हार्डवर्क के साथ, आप मेहनत करोगे ना भगवान आपने ऐसे ऐसे किस्मत दिखाओगा, आपको खुद समझ में बात नहीं आओगी सर। मेहनत है डेडिकेशन है, और न्यू सोच के कि भाई परिवार वाले ने आपकी इतना कर दिया तो इतना हम वापस क्यों कर दे सका है, तो दिमाग में हमेशा एक विचार रहा है कि एक आपके पीछे आपका सपोर्ट सिस्टम है, एक शील्ड है, तो शील्ड थी जो आप वापस दे सको सर, अपने अपने स्तर पर वापस देना चाहिए। आप ये इतना बड़े पद पर पहुंची हो और जब आपकी जिम्मेवारी अभी बन गई है, तो आपके पहला सबसे बड़ा काम क्या रहेगा जो आप करोगी? सर मेरा पहला काम बच्चों से बात करना होगा, गांव के बुजुर्गों से बात करना होगा, जो मैं अभी आपके साथ भी कर रही हूँ कि मैं गांव जाऊँ, मैं अपने दादाजी जैसे जो बाकी मेरे दादाजी हैं उनसे बात करूँ सर। अभी जो भिवानी में जो कॉलेजेस हैं स्कूल्स हैं वहाँ पे यूथ को गाइड करूँ, क्योंकि सर आप जैसे बोला कि महिलाओं को पता ही नहीं है इस एग्जाम के बारे में, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं सर, तो ये सब हम करना चाहेंगे बातचीत करके उनको प्रेरणा दे के, तो ये सब करेंगे सर। आपने कितने घंटे पढ़ाई करी और परिवार वालों का कितना सहयोग मिला? सर घंटे तो काउंट नहीं करते थे रेगुलरली, लेकिन हाँ पूरा दिन सर यूपीएससी एक लाइफ पार्ट बन गया था कि आपकी पूरी जिंदगी उस पे बेस पे बन गई सर। इट इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जाम, आई रियली कैन नॉट एक्सप्रेस। हर दिन हम नया पढ़ते, न्यूज़पेपर देखते, तीन चार न्यूज़पेपर, दो तीन न्यूज़पेपर डेली लेवल पर, तो सर इन सब का योगदान रहा सर। मैंने बैठ के सिर्फ पढ़ाई करी है, मेरी मम्मी ने मेरे को टाइम पे खाना देना, टाइम पे हर चीज़ करना, तो सर उनका योगदान रहा। मेरे पापा सर मेरी ज़रूरत बोलने से पहले पूरी कर देते थे, ट्यूशन्स पे लेना ले जाना, स्कूल से लाना ले जाना सर। पहले तो मैं गांव में ही रहती थी, अभी चार साल से हमारा भिवानी में रेजिडेंस है, तो सर गाँव से आना जाना चाहे ठंड हो गर्मी हो, मेरे पापा ने मेरे प्रति ड्यूटी एक दिन नहीं छोड़ी सर, तो उनका योगदान है सर। मेरे दादाजी पढ़ाया करते मैंने, तो सर एक तो सर शब्द हम बयान नहीं कर सकते मैं किस किस का क्यों क्यों योगदान है सर। मैं तो प्रिंट आउट वाले का भी योगदान मानूँ, जो मेरे घर ने प्रिंट आउट भेज दिया करता टाइम पर, उन किताबा वाले का मानूँ सर, जो कहते मेरी बुक आ जाया करती, अखबार वाले का मानूँ सर, डेली टाइम पर अखबार देना, न्यूज़पेपर मैगजीन देना, जो फोन करते वो दे दिया करते मैंने, तो हर छोटे से बड़े का योगदान था सर। सर एक अधिकारी जब बनता है ना सर, उसके पीछे एक पूरी बेस है, वो एक इंसान नहीं है सर। मैं बोल रही थी कि रिजल्ट खाली मेरा नहीं लग रहा, मेरे को मेरे पूरे परिवार का, मेरे राज्य का, मेरे गांव का, सबका योगदान था सर। ऐसा कोई मौका आया जैसे आपके कोई क्लासमेट है और आप उनसे बात नहीं करी हो पढ़ाई के दौरान और फिर आपकी उनसे बिगड़ गई हो? सर गड़ाए गए बिगड़ी, जो बोले भाई तू तो बातें नहीं करती, अंडरग्राउंड होगी, कड़े गई आ जा रहे थे सारे,
तो मैं भाई अंडरग्राउंड होना पड़ा थोड़ी देर में सर लागे रिजल्ट आए पीछे की दोस्त को नहीं आए रिश्तेदार आ गए घर के आ गए पड़ोसी आ गए मैं दोस्त को नहीं रहे सर तो थोड़ा दोस्त की कमी लग गई लेकिन हाँ सर वे दोस्त वापस भी आ जाएंगे नए भी पढ़ेंगे सर तो हर कॉलेज स्कूल में अच्छे दोस्त थे सर मेरे आज उनके सबके मैसेजेस है सबके सर मैं रिसीव कर रही हूँ सब आ भी रहे हैं सर थोड़ा दोस्तों से सर गैप बना लिया था मैं जब यूपीएससी का रिजल्ट आउट होया और सबसे पहला सूचना और फोन किसकी आई सर 6:12 पे रिजल्ट आया था मेरे एक फ्रेंड ही है सर विकास कुमार नाम है उनका तो वो यूपीएससी की साइट पे बैठे थे कि मेरे से इतनी एंग्जाइटी हैंडल नहीं हो रही थी सर कि पहले 5 से 6 के बीच में रिजल्ट आने वाला था एग्जैक्टली 6:12 पे रिजल्ट आया वो यूपीएससी की साइट पे बैठे थे और उन्होंने बोला भाई तेने कमाल कर दिया क्या बन मेरा इनका कि मेरे भाई ने देखा उन्होंने बोला तेरा तो कन्यादान सा कर लिया सारे घर के बहुत खुश थे और 2019 में मेरे एक और कजन है विक्रम गरेवाल वो फिलहाल फॉरन सर्विस में है फ्रांस में गई उनकी फिलहाल पोस्टिंग है तो उनकी 51 भी रैंक थी सर मेरी भी 51 नहीं आ गई भैया बोले भाई गरेवाल के नाम में 51 भी रैंक हो गई है तो सर सबकी सबका आशीर्वाद तो भाई 51 भी रैंक आई तो कितनी खुशी हुई सर पहले तो खुशी नहीं थी भैया नहीं रैंक मिली तो दूसरी खुशी सर यूँ थी कि पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा 2 दिन तो मैं तैयारी शुरू कर दी थी 10 अक्टूबर का फिर से प्रीलिम्स है तो उसकी तैयारी कर दी थी सर कि क्योंकि सर जब तक लिस्ट में नाम नहीं दिखता ना तब तक यूँ ही होता भाई नहीं हो भाई अगले की तैयारी कर रहा सर वह तैयारी चल रही थी बस एक यूँ तसल्ली होगी वे इतने टेस्ट लिए आई थी मैं करने सब तो ये टेस्ट कौन करने बस इसकी खुशी है जो बालक यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये कहना चाहोगे उसने किस तरह तैयारी करनी चाहिए किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस चीज़ अवॉइड करनी चाहिए सर अभी तो 10 अक्टूबर का प्रीलिम्स है बहुत कम टाइम है बाकी अगले प्रीलिम्स की मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी भैया से मैंने क्या क्या सीखा क्या आगे बच्चे कर सकते हैं मैंने कैसे नोट्स बनाए कैसे करंट अफेयर्स तैयार करे सर उसकी तो मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बना के सर अपनी मेरे लेवल पे जो होगा मुझसे मैं मदद करूंगी सर 10 अक्टूबर के लिए सिर्फ 15 दिन ही बच गए मेरे बहुत फ्रेंड्स दे रहे हैं इंटरव्यू सॉरी पेपर और भी जो दे रहे हैं सर उनके लिए बस यही है कि बैक टू बैक रिविजन जितनी रिविजन हो सके उतनी रिविजन एक दो मॉक टेस्ट कर लिए पिछले साल के पेपर देख ले कि भाई के क्वेश्चन पूछा है उस दिन अटेम्प्ट कर पाओगे नहीं तो मैं तो OMR वर्क की प्रैक्टिस करा देती ताकि उस दिन भी OMR से गाड़ी भरी जाऊँ और सर बाकी तो सर रिविजन है जो नोट्स बना रखे हैं जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है एग्रीकल्चर हो गया कोरोना हो गया इकोनॉमिक्स हो गई जो मेन पिलर्स है उसकी सर बैक टू बैक रिविजन मारो और पिछले साल के पेपर देखो और खुद पर विश्वास रखती सर प्रीलिम्स आने दिन सब कुछ कापड़ ला गया था भाई पहली स्टेज है कदम पहली स्टेज पर रह जावा तो उस दिन सर दादाजी नमस् में गई थी 5 दिन तक होल क्वेश्चन पेपर सर पहला क्वेश्चन को नहीं आया था पहली शीट पर 6 क्वेश्चन थे पहले शीट पे पहला क्वेश्चन को नहीं आता लेकिन बाकी के 5 आवल थे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो नेवर बी इन डाउट कि आपको एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे यू विल नो द नेक्स्ट क्वेश्चन तो उस हिसाब से बीच में पेपर के बीच में उम्मीद नहीं छोड़नी भराओ आप ही कह लो भाई को नहीं हो पाया लेकिन पेपर के बीच में हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है ध्यान तो 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ना है जो चीज पूछी है एग्जैक्टली वही चीज बतानी है और मेरे भाई ने बात कही थी आंसर क्वेश्चन के बीच में पाओ वो शब्दों के बीच में कितने कितने आंसर लुका पाओगा उसने ढूंढ लिए और उसने मार्क करेंगे तो यह सर यू मंत्र रहा है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर भाई ये थी निशा गरेवाल जिसकी यूपीएससी में 51 भी रैंक आई भाई एक बार फिर इन्हें और इनके परिवार ने बहुत बहुत बधाई हो भाई भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और घंटा भी दबा दियो।